बाइबिल के बारे में आप तो जानते ही हैं, जिसे ईसाई धर्म की आधारशिला और ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी किताब है जिसे डेविल्स बाइबिल यानी शैतान की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यह दुनिया की सबसे रहस्यमय शैतानी किताब मानी जाती है। इस किताब को ये और भी रहस्यमय बनाती है कि इस किताब को किसने लिखा और क्यों लिखा। इस किताब पर छपे हुए शैतानों की तस्वीरों का मतलब क्या है? आखिर इस किताब को कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है? आइए इस किताब के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इस रहस्यमय शैतानी किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब इंसानों के मन में कौतूहल पैदा करती है, क्योंकि इसे कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े से बने पन्नों पर लिखा गया है। यह किताब शैतानों की पूजा करने की प्रेरणा देती है। यह किताब 92 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 22 सेंटीमीटर मोटा है। कुल 160 पन्नों की यह किताब बहुत भारी भरकम है। इसका वजन 85 किलो के आसपास बताया जाता है। इसे उठाने में कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि इस किताब को महज एक रात में लिखा गया था। इसके पीछे यह कहानी प्रचलित है कि 13वीं सदी में एक सन्यासी ने अपनी मठवासी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया था, जिसके बाद उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा सुनाई गई थी। इस कठोर दंड से बचने के लिए उसने महज एक रात में एक ऐसी किताब लिखने का वादा किया जो सभी मानव ज्ञान सहित मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित करे। उसे इसकी इजाज़त दे दी गई। लेकिन कहते हैं कि आधी रात को जब उसने देखा कि वह अकेले पूरी किताब को नहीं लिख सकता, तो उसने एक विशेष काले जादू से एक शैतान को बुलाया। उस शैतान से उसने अपनी आत्मा के बदले किताब को पूरा करवाने के लिए मदद मांगी। शैतान इसके लिए तैयार हो गया और उसने रात भर में ही पूरी किताब लिख डाली। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक दिन में लिखना नामुमकिन है। अगर दिन रात एक करके लगातार लिखा जाए तो भी इसे पूरा करने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। कुछ शोधकर्ताओं ने इस तर्क को गलत भी ठहराया है। उनका मानना है कि जिस तरह पूरी किताब को एक ही लिखावट में लिखा गया है, उससे इतना तो साफ है कि इसे 20 या 25 साल में नहीं लिखा गया होगा। फिलहाल यह किताब स्वीडन के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। आपको क्या लगता है, इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।